आज हम बताएंगे कि हीरो की बाइक है और BS4 है, उसमें क्या है कि जैसे रेस ले रहे हैं तो भग 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 कर रही, यानी स्लो एक्सीलेटर ले रहे हैं तो ठीक चल रही, तेज चला रहे हैं भग भग कर रही और पूरी तरह रेस नहीं ले रही, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके उसको सॉल्व करना है। पहले हम आपको प्रॉब्लम बताते हैं और फिर उसको किस तरीके सॉल्व करना है दिखाते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त देखिए, मेरे सामने ये पैशन प्रो और ये BS4 है, i3 SI, ठीक है। इसमें क्या है मेरे दोस्त, यानी जैसे रेस लेते हैं तो रेस नहीं ले रहे, ठीक। हम थोड़ा सा और दिखाना चाहेंगे, उस साइड से दिखाइए भैया, मेरे दोस्त इस तरीके से, यानी हकभक कर रहा और लोड नहीं ले रहा। हम एक बार थोड़ा सा चलाक भी दिखाना चाहेंगे, आप पहले प्रॉब्लम समझें और फिर किस तरीके सॉल्व करते हो भी दिखाते हैं। पूरी तरह रेस नहीं ले रही और भग 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 इस तरीके से चलती है। एक बार और थोड़ा सा, मेरे दोस्त हमने आपको पूरी तरह से दिखाना चाहा और इसके लिए हम इसका एयर फिल्टर देख ले हैं और पेट्रोल सप्लाई चेक करते हैं, यानी प्रॉब्लम कहाँ से है। पूरी तरह अनुभव नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको जो चाहते हैं कि बताएं, बिल्कुल परफेक्ट बताएं, जिससे कि आपके सामने कभी ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। मेरे दोस्त हमारे अनुसार जो हमको अनुभव कह रहा, या तो इसमें मेरे दोस्त इसका जेट ढीला हो गया है या इसका जो एयर फिल्टर है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, पूरी तरह से एयर नहीं मिल रही, ठीक है। तो हम इसमें पहले आपको, यानी एयर फिल्टर जो है, ओरिजिनल एयर फिल्टर लगाना चाहिए। जब भी आपको इस तरीके होता है तो एयर फिल्टर पहले लगाते हैं और इसको हम चाहेंगे ओरिजिनल ही लगाएं, ठीक है, और लगा कर तब दिखाते हैं, और अगर नहीं होता तो कार्बोरेटर भी खोल करके तब दिखाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। मेरे दोस्त आप जब भी एयर फिल्टर लगाएं तो कोशिश करें ओरिजिनल, और ओरिजिनल की पहचान यहाँ पर जो होता है इस जगह देखिए मेरे दोस्त, यानी इसके नंबर लिखे होते हैं, यानी जो पार्ट नंबर होता है पूरी तरह लिखा होता है और इसी तरीके से, और आपको ये उठाने में ही, यानी हाथ में लेते, अगर ये नहीं है तो इससे आपको ये हाथ में लेते ही मालूम पड़ जाएगा, थोड़ा वजनदार होता है। और कुछ होते हैं तो उसकी जैसे फिनिशिंग है, तो देखिए ये यहाँ पर ये चिपकाया जाता है, इससे आपको मालूम पड़ जाता है कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट, ठीक है। तो ये हम रेगुलर लगाते हैं तो आपको मालूम पड़ जाता है, और ओरिजिनल इसी तरीके से आप पहचान कर सकते हैं, जैसे इसके नंबर हैं सारे नंबर, और ये आपको हाथ में आते ही थोड़ा वजनदार रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान करें कि ओरिजिनल है, और ओरिजिनल की यानी माइलेज भी बढ़िया आता है, उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, और डुप्लीकेट माइलेज कम आता है। अब एयर फिल्टर लग गया मेरे दोस्त, प्रॉब्लम वैसी है, और प्रॉब्लम कहाँ से है हम आपको कार्बोरेटर खोल के तब दिखाते हैं। अब मेरे दोस्त हम इसका कार्बोरेटर खोल रहे हैं, देखते हैं यहाँ से प्रॉब्लम है या कहाँ से है, हम आपको फिर बताते हैं। मेरे दोस्त हमने इसका जेट खोल लिया है, और जेट खोल करके भी हमने चेक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल साफ, इसमें ना ढीला था ना ही और कोई प्रॉब्लम। अब और प्रॉब्लम कहाँ से है हम आपको कोशिश करके बताते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम है। मेरे दोस्त हमने कार्बोरेटर खोला, कार्बोरेटर से भी प्रॉब्लम हुई नहीं सही। इसका हम प्लग खोल करके तब चेक करके बताते हैं। मेरे दोस्त इसका दूसरा प्लग लगा के तब बताते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। मेरे दोस्त हमने यानी फिल्टर चेक किया, कार्बोरेटर चेक किया, प्लग चेक किया, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम
अभी हमने ये दूसरा कार्बोरेटर लगाया है, दूसरी बाइक खड़ी थी मेरे सामने, देखिए एक पैशन उधर खड़ी है, ठीक, ये यानी ये BS4 नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। उस बाइक का हमने कार्बोरेटर, हम आपको थोड़ा करीब में, इस बाइक का कार्बोरेटर हमने इसमें लगा के तब चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये हमने कार्बोरेटर लगाया, ठीक है, अब ये हमने उस बाइक का कार्बोरेटर लगाया और इसका कार्बोरेटर देखिए ये हाथ पे है, भाई के हाथ पे इस तरीके से, ठीक। अब देखिए भैया रेस लेकर देखिए, हाँ देखिए मेरे दोस्त, अभी हम पूरी तरह से रेस लेकर दिखा देते हैं आपको, यानी मेरे दोस्त आप समझ लें कि यानी हमने आपको जो प्रॉब्लम थी इस तरीके से हमने सॉल्व करके दिखाया और कार्बोरेटर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। इसमें कार्बोरेटर में प्रॉब्लम है, ठीक, कार्बोरेटर में प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये बाइक जो है कुछ समय तक खड़ी रही और इसमें देखिए पीला पीला जम रहा है, ठीक, जमा हुआ है ना पीला पीला। मेरे दोस्त हम आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाना चाहेंगे, तो भैया इसको पकड़िए भैया ज़रा इसे, हैं देखिए इसमें पीला पीला जो जमा हुआ है ये इस तरीके से जब जमा रहेगा तब ये प्रॉब्लम यानी इसी की वजह से आता है, ठीक। थोड़ा सा हम आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रहे हैं मेरे दोस्त, देखिए ये बाइक कुछ समय के लिए खड़ी थी और यहाँ पर हमने थोड़ा सा पीला पीलापन इसका छुटाया भी था, ठीक, इस जगह हमने थोड़ा छुटा दिया था, पर जैसे इसमें पीलापन है उसी तरीके से इस जेड में भी पीलापन है और इसको साफ़ करने के लिए हमें क्या करना है, एरियल डाल करके साफ़ करके तब यानी हम इसको जब साफ़ कर देंगे एरियल से तब यानी हम स्टार्ट करके तब भी हम आपको बताएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त इस कार्बोरेटर को हमने एरियल डाल के साफ़ कर दिया है, अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये क्लीन है, ठीक, कहीं से भी कुछ भी ऐसा गंदा नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छा सा है, हैं ये भी बिल्कुल इसके जेड वगैरह सब, ये भी हमने इसका पिन भी निकाल दिया था और सारे जेड और इसके छोटे छोटे जो होल होते हैं सब यानी इधर के साइड के सब अच्छे से साफ़ हो गया, ठीक है। और ये साफ़ होता है, आप सोचो पेट्रोल से साफ़ कर लें, पेट्रोल से साफ़ नहीं होगा, पानी और एरियल डाल के साफ़ होता तभी अच्छे से साफ़ होता है। अब हम इसको ये कार्बोरेटर लगा के तब स्टार्ट करके तब दिखाते हैं, डाल देंगे ये डाल देंगे, मेरे दोस्त हमने इस कार्बोरेटर को साफ़ करके अच्छे से और लगा दिया है और ये BS4 का ही कार्बोरेटर लगाया, जो साफ़ किया वही लगाया है क्योंकि इसमें एक पाइप होता है जो यानी इसमें अलग से होता है क्योंकि ये पाइप की जो नाप होती है ये इस डब्बे में जाती है जो BS4 का ये डब्बा होता है ये वाला, ठीक है। तो इसलिए इसका हम अब दिखाते हैं आपको यानी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, मेरे दोस्त आप समझ गए होंगे कि अब ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हुई। अब चाहेंगे हमारा वीडियो पसंद है उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्त।